आइए जानते हैं सराय औरंगाबाद के लोगों का दिलों का हाल, क्या सोचते हैं, वर्तमान सरकार से खुश हैं नाखुश हैं, किसको अपना नेता चुनना चाहते हैं और कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं। जी हां दोस्तों, राजनीतिक माहौल है और यही बात पता करने के लिए हम पहुंचे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, ठीक हो साहब? ठीक है। अच्छा, कौन सी पार्टी को पसंद करते हो जी? तो सारिया न कर दे, जो काम कर हमारा। अच्छा जी, कौन सी काम कौन सी पार्टी कर रही है जी? पर कोई ना करे हमारा नहीं जी, क्या करे पता। वोट तो डालनी पड़ेगी साहब। आप वोट तो गिर रहेंगे, तो किसकी वोट डालोगे जी? तो काम करेगा हमारा। अच्छा जी, भाई बता आपकी क्या राय है साहब? हम तो जी अब जो फिलहाल पार्टी अच्छा काम कर रही है। अच्छा जी, ठीक है, हम तो इसी के साथ जी। आपकी क्या राय है दोस्त? भाई हम तो, मैं और मेरा पूरे परिवार राजेश जून के साथ हैं जी। कौन सी पार्टी से है वो? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगी उनको? हाँ बिल्कुल मिलेगी। क्या लगता है आपको, टिकट मिलने पर क्या होगा बहादुरगढ़ में, कुछ बदलाव हो सकता है क्या? पूरा बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा। आपकी क्या राय भाई साहब? सर जो अब वर्तमान में सरकार है, इसका देखा जाए तो ये तो कोई काम की है नहीं, कोई अच्छा और नया चेहरा आए तो हम उसको बिल्कुल सहयोग करेंगे जी। ठीक। और नया चेहरा भाजपा से आए या किसी और पार्टी से आए? नहीं, काम करने वाला है, पार्टी चाहे कोई भी, पार्टी कोई भी हो। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपके बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा चेहरा आपकी नजर में है? हाँ बिल्कुल। कौन है? अपने राजेश जी हैं। अच्छा जी, काफी पुराने मिलनसार है, हमारे पूर्वज जो हैं उनके भी मिलनसार हैं। अच्छा। लोहा गांव कोई ज्यादा दूर नहीं हमारे यहाँ से, तो शायद उनको दुनिया तो एमएलए साहब कहेगी, हमारे चाचा ताऊ लग गए हैं, हमारे परिवार जैसी बात है उनसे, तो वे हम उनका सामने जाकर रोएंगे तो वे शायद हमारे सुनेंगे, सुनेंगे, हमें आशा ही है। आपको क्या लगता है भाई साहब, कौन सी पार्टी? बिल्कुल यही पार्टी जी। कौन सी? कांग्रेस पार्टी जी। कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस से उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? राजेश जून होंगे जी। अच्छा जी, हाँ जी, श्योर? बिल्कुल 100%। क्या लगता है आपको, राजेश जून को टिकट मिलेगी तो क्या होगा बहादुरगढ़ में? जीत जाएंगे वो, हरा देंगे भाजपा को? बिल्कुल। भाजपा तो बहुत वैसे दावे कर रही है 75 पार, ये तो सब कर रही है जी। अच्छा जी, कुछ नहीं होगा। आपकी पसंद क्या है? बस यही हमारी पसंद है साहब। क्या हुक्का? नहीं हुक्का क्यों है, राजेश जून जी हैं कांग्रेस पार्टी से। अच्छा जी, अच्छे खासे काम पहले भी लोगों की बहुत सेवा करी है जी, और अब भी करते आ रहे हैं जी, यही मेरा। भाई साहब राम राम। राम भाई, क्या हालचाल है? बढ़िया भाई साहब, ठीक हो? बढ़िया। भाजपा सरकार किसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है जी। विधायक सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। इस बार फिर से विधायक को चुनोगे? हाँ उसी को चुनेंगे। या बदलना चाहते हो? नहीं बिल्कुल नहीं बदलना है। बढ़िया काम कर रही है भाजपा? बढ़िया काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, बहादुरगढ़ की जनता का क्या है हाल, मजे में है या है बेहाल? जी हाँ, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव सराय औरंगाबाद में। जी हाँ, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और सराय औरंगाबाद के स्थानीय ग्रामीण हैं। आइए जानते हैं उनसे विचार, क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस नेता को पसंद करते हैं। क्या है भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम रवि राठी जी। अच्छा, कौन सी पार्टी को पसंद करते हो आप? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को, क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी का कुछ हरियाणा में है? आपके बार है भाई। अच्छा जी। हाँ। तो बहादुरगढ़ से कांग्रेस पार्टी से किस प्रत्याशी को टिकट की उम्मीद है? राजेश जून। राजेश जून को, ऐसी क्या खास बात है उनमें? अच्छा आदमी है, समाज सेवी आदमी है। अच्छा जी, लोगों के लिए अच्छी है वो सोचो, समझ है, समझ है। हाँ जी जी जी। आपको क्या लगता है दोस्त, कौन सी पार्टी बहादुरगढ़ का भला कर सकती है? कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अच्छी है वैसे तो। दोनों अच्छी हैं। दोनों में से अच्छी कौन है? बीजेपी ज्यादा है। बीजेपी ज्यादा है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको, बीजेपी के कार्यकाल में कार्य ठीक हो रहे हैं? ठीक तो नहीं, लेकिन कांग्रेस भी ठीक है, दोनों ठीक है, अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक है। अच्छा, कांग्रेस से किस पार्टी, कौन से उम्मीदवार की ज्यादा लग रही है? राजेश जून। राजेश जून। हाँ। अच्छा, उनको टिकट मिलने की उम्मीद है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और अगर कांग्रेस के टिकट राजेश जून को मिलती है तो क्या रहेगा बहादुरगढ़ में? राजेश जून जीतेगा। जीतेगा। हाँ जी। भाजपा विधायक? भाजपा विधायक नवीन बंटी। नवीन बंटी। हाँ जी जी जी। भाई साहब आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी युवाओं का हित कर सकती है, बहादुरगढ़ का भला कर सकती है? दोनों पार्टी ठीक। दोनों, जजपा और इनेलो? नहीं, भाजपा और इनेलो, ये कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस। अच्छा, आपको क्या लगता है बहादुरगढ़ में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का होने वाला है? इन्हीं दोनों राय है मेरे ख्याल से तो बीजेपी थोड़ी हैवी है। हैवी है। किस पर?
कांग्रेस पर, उन दोनों में ही मुकाबला है। तीसरी पार्टी, तीसरी पार्टी जजपा इनेलो कोई नहीं है? नहीं कोई नहीं, आसपास नहीं कोई। अच्छा, तो कांग्रेस से उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? कांग्रेस अब की बार राजेश जून होंगे शायद। राजेश जून, ऐसी क्या खास बात है उनमें? राजेश जून पहले से ही काफी काम कर रहे हैं समाज सेवा के, और हॉस्पिटल वगैरह भी खोल रखा है वहाँ पे, जो भी शिकायत हो किसी की, कोई कंप्लेंट हो, वहाँ पे 24 घंटे मिलते हैं। राजेंद्र जून से तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मिलना मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ नहीं रहते? नहीं रहते हैं, लेकिन वैसे मिलते नहीं हम लोगों के बीच इतना नहीं जाते जितना राजेश जून जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है यदि कांग्रेस पार्टी दाव खेलती है इन पर, राजेश जून पर, तो भाजपा से मुकाबला होगा या क्या रहेगा? हाँ, काटे की टक्कर हो सकती है दोनों की, भाजपा की और कांग्रेस की, अगर राजेश जून को मिलती है तो। राजेंद्र जून को मिलती है तो फिर नहीं नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी को बढ़िया मानते हो? दोनों ही पार्टी ठीक है। जजपा और इनेलो? नहीं नहीं, कांग्रेस और, कांग्रेस और भाजपा। भाजपा, अच्छा, इन दोनों में सबसे अच्छी कौन सी है? कांग्रेस। कांग्रेस अच्छी है। तो कांग्रेस से जो उम्मीदवार आने हैं जिनको टिकट मिलनी है, कौन है वो? अब तो राजेश जून होने चाहिए। राजेश जून होने चाहिए, ये आपकी पसंद है? हाँ जी। और गांव के लोग क्या सोचते हैं? वो भी यही चाहते हैं इस टाइम तो, कि राजेश जून आना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। अच्छा जी, पहले राजेंद्र जून थे, अब राजेश जून आने चाहिए। तो अब ये बदलाव क्यों? क्योंकि वो मिलना नहीं, मिल नहीं पाते किसी से भी पूरे। अच्छा, तरह से। और राजेश जून सभी के बीच में जाते हैं समाज से भी। अच्छा, और अगर राजेश जून को टिकट दे भी दी कांग्रेस ने तो क्या रहेगा? जीतेगी कन्फर्म है। कौन? कांग्रेस, राजेश जून। कहाँ घूमे? यही है, कित घूमना भाई साहब, इस महंगाई में कित जा। अच्छा अच्छा, पार्टी कौन सी अच्छी लगती है भाई साहब? पार्टी वो अपने कांग्रेस है, इससे तो बढ़िया की है कुछ ना है। कांग्रेस पार्टी अच्छी है? लेकिन लोग तो कहते हैं भाजपा अच्छी है। भाजपा ने के बस मरते ही देखो, कुछ करे नहीं है। अच्छा जी, तो कांग्रेस पार्टी से इस बार टिकट किसको मिल सकती है? जून साहब आ सके। अच्छा जी, और अगर राजेश जून साहब आते हैं तो जीतेंगे वो? वो तो भाई पब्लिक के ऊपर बात है, हम तो भी एक सहयोग करेंगे। अच्छा, आप वोट उसी को दोगे? जी जी जी, चलो एक साथी और है उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ, क्या हाल है दोस्त? बढ़िया। क्या नाम है आपका? अमन। अमन, क्या करते हो आप? स्टडी। स्टडी कर रहे हो? अच्छा, वोट बनी हुई है आपकी? हाँ बनी हुई है। पहले कभी डाली है? पहली बार डालोगे? पहली बार डालोगे। वेरी गुड, तो कौन सी पार्टी को डालोगे? कांग्रेस। कांग्रेस को, ऐसी क्या खास बात है कांग्रेस में? खास बात तो पता नहीं, पर और तो बढ़िया ही है। अच्छा अच्छा, कांग्रेस से कैंडिडेट कौन हो सकता है आपके यहाँ से? राजेश जून। राजेश जून पक्का? ऐसी क्या खास बात है? और सब तो बढ़िया ही है। आपकी पसंद है? हाँ। तो लगता है आपको जो भाजपा काम नहीं करा पाई या करा रही है उससे अच्छे काम करा सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल। क्या ठीक हो? हाँ, कौन सी पार्टी पसंद है? पार्टी तो जो ही मोदी सरकार कर रही है यह पसंद से। ठीक है जी। विधायक ठीक काम कर रहा है? हाँ, विधायक भी अपनी जगह ठीक, कैसे जी, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आपकी क्या राय भाई साहब? भाई साहब, राजेश जून तन मन धन से बिल्कुल राजेश जून भाई के साथ हैं। अच्छा जी, और जी तय दिल से बनावांगे। उम्मीद मानते हो भाई साहब? टिकट मिलने की 100% उम्मीद मानते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो क्या कारण है इसका, इतनी मजबूती से आप कह रहे हो टिकट का? ये आदमी शरीफ है और नेक बंदा है। बहादुरगढ़ हल्के में से पिछली बार जो इसने वोट ली अपनी शराफत के वजह से, उस वजह से इसका बनना निश्चित है। अच्छा, इस बार अगर टिकट मिल गई तो? टिकट मिल गई तो फिर तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार बिल्कुल। अच्छा जी, आपको क्या लगता है भाई साहब? राजेश जून को देंगे जी। अच्छा जी। हाँ जी, क्या खास बात नजर आई? शरीफ है, ईमानदार है। अच्छा जी। हाँ जी, और फिर लोगों की सेवा करता है। तो भाजपा का कोई वो नहीं है? भाजपा भाजपा हो रही पूरे हरियाणा में। भाजपा का के भी राम ने। अच्छा जी, आप कांग्रेस के सपोर्टर हो? हाँ जी ठीक है। कांग्रेस तो लगता है आपको कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी जून साहब को? मिल जाएगी जी, लेकिन पूरी मेहनत कर रहे हैं, मिलेगी ना क्यों ना मिलेगी। मिलेगी। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, अगर जून साहब को टिकट मिल जाती है तो क्या लगता है आपको मुकाबले में कौन रहेगा? जजपा का रहेगा, इनेलो का रहेगा या भाजपा का रहेगा? देखो जी, इस पार्टी में इसमें एनएलओ तो खत्म ही होगी। अच्छा जी, और जेजेपी का थोड़ा बहुत है तो कुछ ही ऐसा नहीं, लेकिन भाजपा अगर जा बराबर में होगी तो भाजपा में भी फूट बहुत ज्यादा है, टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा है, उसमें मुश्किल है। तो टिकट के दावेदार तो कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा है भाई साहब, फूट तो फिर कांग्रेस में ही पड़ेगी। कांग्रेस में फूट पड़ेगी तो ये तो आदमी शरीफ है, इसके कहल तो काफिला भी कल भी बाईपास पे बहुत ज्यादा था, हुड्डा साहब के कहल कुमारी शैलजा के साथ बहुत ज्यादा काफिला था, और इसको तो टिकट मिलना निश्चित थी भाई साहब। किस पार्टी को अच्छा मानते हैं आप?
ये दुष्यंत वाली पार्टी है जी, जेजेपी। अच्छा जी, तो प्रत्याशी कौन होगा बहादुरगढ़ से जेजेपी का? वो तो पार्टी करेगी जो भी उसको नियुक्त करेगी जिसको। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद वही है जो वो करेंगे उसके साथ। दुष्यंत चौटाला जिसको भी भेजेंगे? बिल्कुल 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 भाई साहब, आप भी दुष्यंत चौटाला के साथ हैं? तो दुष्यंत चौटाला जिसको भेजेंगे ऐसे आप उनके साथ उनके साथ हैं। टिकट मिलने की उम्मीद किसको भाई साहब? टिकट उम्मीद तो भाई साहब संजय दलाल है फिलहाल। संजय दलाल दौड़ों में सबसे आगे हैं? हाँ, उनकी पार्टी में तो वही है। तो जेजेपी का मुकाबला किससे मानते हो आप? हम मुकाबला ही नहीं मानते भाई साहब। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा हमको नहीं पता भाई साहब, कौन रहेगा जी, जी। फर्स्ट को जानते भाई साहब राजेश जून बढ़ेगा। अच्छा जी, 100 की 100। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बड़ी आदमी है, बहुत अच्छे काम करा रखे हैं, ठीक है, नेक नीति है, बिल्कुल 100 की 100। टिकट मिलते कांग्रेस की कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल भाई साहब राजेश जून हर हालत, वो उसी को टिकट मिलेगी और वही बनेगा, वही जीतेगा।